नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं आपके साथ नगमा। और आज ये जोरदार ताली जो बजी है यहाँ पर वो साइखोम मीराबाई चानू के लिए बजी है, जो हमारे साथ आज यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मीरा चानू, और बहुत मुबारक हो कि आप गोल्ड मेडल जीत कर लौटी हैं। साइखोम मीराबाई चानू, जिनके लिए जितनी तालियां बजे वो कम है, क्योंकि भारतीय खेल को कह सकते हैं कि एक नई पोस्टर गर्ल मिल गई है। अब ये नाम अब भारतीय खेल के इतिहास में सुनहरे लफ्जों में बिल्कुल दर्ज हो गया है। इनकी कहानी बार बार दोहराई जाएगी। भारत की वो वेटलिफ्टर जिसने वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, और इस गोल्ड के साथ भारत का दो दशक यानी 20 साल का इंतजार खत्म हुआ है। 94-95 में भारत की कर्णम मलेश्वरी ने सम्मान हासिल किया, लेकिन उसके बाद भारतीय खेल को बहुत दिनों से इसकी इस बात का इंतजार था कि एक अच्छी खबर वेटलिफ्टिंग में आए। और अब मीरा चानू की जीत के साथ एक नई पोस्टर गर्ल भारतीय स्पोर्ट्स को मिली है, और हम आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से कर रहे हैं। और आपसे मैं वो सवाल से शुरू करना चाहती हूँ कि जब आपने वो वेट उठाया जिससे आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो आपको ये तो पक्का पता था कि आप सिल्वर तो जीत जाएंगी पर गोल्ड मिल जाएगा, ये कब समझ में आया? मैं तब कॉम्पिटिशन वो स्टार्ट होने के टाइम तो हमें सिल्वर तो पता था, सिल्वर तो लेके रहूँगी ये तो सोच के गई थी मैं। पर मैं वार्म अप हॉल में और मेरा स्नेस में भी थोड़ा सा गलत हो गई थी, तो इसमें मैंने इसने सिल्वर मेडल तो हो गई। तो क्लीन इन जग में सर ने बोला था 9-8-9 के करेगी तो हम गोल्ड जरूर जीतेगी, तो सर ने मुझे बताया था वार्म अप रूम में। तो मैंने बोला सर मैं करूँगी ऐसा बोला। तो थाईलैंड का मेरा फाइट थी, तो मैंने लास्ट में सर ने बोला था ये करना है, सर ने 9 दिया था मुझे लिफ तो वो 9 करेगी तो आप जरूर गोल्ड मेडल लेना है बोला। तो मैंने सर ने भी बहुत मुझे ऐसे वो जोर से बोला था आप मरना है तो इस स्टेट में जाके मरो ऐसे ही बोला था सर ने भी। तो मैं भी हाँ ठीक है सर मैं करूँगी, तो बोल मैं पावर के साथ मैंने स्टेट में जाके 9 को मैंने क्लीन एंड चेक किया। इसके बाद मैं इसी टाइम भी मैंने नहीं पता था गोल आया है बोल के, तो लास्ट में सर लोग सब मेरे पास आ गए थे आप गोल जीत गई ऐसे बोला था, मैं बहुत खुश हो गई तब मुझे पता चला था मैं गोल जीत गई। और जब पता चल गया कि गोल जीत गए उसके बाद उस बात को समझने में उसको मानने में कितना समय लगा कि गोल जीत गए? हाँ। क्योंकि ये गोल्ड आप ये भी एक पीछे भार रहता है ना कि 20 साल करीब गुजर गए और भारतीय वेटलिफ्टिंग में महिला वेटलिफ्टिंग में ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आप एक रिकॉर्ड बनाने जा रही थी, एक उसका भी प्रेशर रहता है। हाँ जी, तो ये आप सोच रही थी उस समय? हाँ प्रेशर तो बहुत होती है कि रियो में भी मेरा खराब हो गई थी। हाँ। तो रियो से वापस आके मैं सर से बहुत बात किया था जो रियो में जो गलत किया कैसे ठीक करना है, तो सब ने भी गलत कमेंट्स देती थी हम सर को भी अच्छा सर नहीं है सर बनने का लायक नहीं है ऐसे कुछ बोलती थी, तो मैं बहुत दुखी था उसी टाइम। 2016 में रियो में जो मिस हो गया जी, उसका जो दुख था जी वो था आपके साथ जाहिर है। हाँ जी, तो उससे मायूसी होती थी, उसे कई बार प्रैक्टिस के दौरान आपको लगता था कि नहीं कर सकेंगे, ऐसा भी कोई दौर आया था, ऐसे फेजेस थे जब लग रहा था नहीं हो पाएगा जब आप तैयारी कर रही थी? नहीं, रियो ओलंपिक के लिए मैं बहुत अच्छे से तैयार किया था मैंने सर के साथ, तो रियो में फर्स्ट टाइम मेरा ओलंपिक थी तो इसलिए मैं थोड़ा सा नर्वस हो गई थी मेरा, तो इसकी वजह से मेरा मेडल थी ओलंपिक में तो नर्वस की वजह से मेरा तो ओलंपिक जी। आप जो कह रही हैं नर्वस होने की बात वो मैं समझना चाहती हूँ, क्योंकि वो ऐसा वक्त होता है जब इतना दबाव होता है प्रेशर होता है, कोई भी बड़े से बड़ा खिलाड़ी या कोई भी नर्वस हो सकता है, तो नर्वस ना हो पैनिक ना हो ये कितना इम्पोर्टेंट होता है, और कैसे उस बात को आप इस बार कंट्रोल कर पाए? वो तो हमारे ऊपर में है कि हम माइंड को स्ट्रोंग करना चाहिए, तो हम कुछ सोचना नहीं चाहिए पर हम जो करना है स्टेज में जो सर लोग ने दिया वो करना है सोच के माइंड में रखे कि तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देश का भी ध्यान रहता है उस समय पे इंडिया के लिए गोल्ड जीत रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, इंडिया के लिए सर हमारी फैमिली तो, सबकी। हाँ सर, विजय शर्मा साहब हमारे साथ हैं, आपके कोच हैं, और जब स्टार बन जाता है तो कोच की अहमियत कहते हैं कि आजकल और ज्यादा बढ़ जाती है, बल्कि मैंने हाल में किसी का ट्वीट पढ़ा कि पहले
द्रोणाचार्य जो हैं वो बनाते थे शिष्यों को, अब जो स्टार्स खिलाड़ी होते हैं वो द्रोणाचार्य बनाते हैं। तो आपकी शिष्य जो हैं वो अब नाम कमा रही हैं और वो गोल्ड मेडल लेकर आई हैं, तो अहमियत आपकी, इम्पोर्टेंस आपकी अब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काम को थोड़ा पहचान मिलती है, स्टार कोच जाते हैं, थोड़ा लोग मानने लगते हैं कि हाँ हम लोग काम कर रहे हैं जी, पहचान मिल जाती है। सक्सेस तो पहचान दिलाती है, ये तो है ही बिल्कुल, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत है। तो सर इसके बारे में बताइए कि इसके पीछे कितनी मेहनत है। 2016 में भी उन्होंने उतनी ही मेहनत की होगी, पर वो क्या चीज होती है जो कि एक जिससे एक मेडल से आदमी चूक भी जाता है और वो मेडल इस दफा वो ले भी आई। 2000 जब ओलंपिक हम गए थे तो कुछ उस कंपटीशन के बाद हमें कुछ कमियां महसूस हुई कि हमारी ट्रेनिंग में कुछ कमियां रह गई हैं, और वापिस आने के बाद इस कंपटीशन तक हम लास्ट डे तक काम करते रहे उन कमियों पे। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मेंटल ट्रेनिंग थी, तो जो लास्ट का वीक था हमने वहाँ कंपटीशन से पहले गुजारा, वो ट्रेनिंग वीडियोस देखते, मोटिवेशनल वीडियो दिखा के इसको जी। उसी में गुजारा, क्योंकि ट्रेनिंग तो हम बिल्कुल अच्छे से पहले भी कर रहे थे। हाँ। तो जो चीजें वीक पॉइंट थे वो खत्म करके जो इसके प्लस पॉइंट थे वो याद दिलाएगी, ये प्लस पॉइंट है, ये स्टेज पे जाके यही ध्यान करना है। तो मीरा चानू के प्लस पॉइंट्स, इनकी मजबूतियां क्या क्या हैं, इनकी खूबियां क्या क्या हैं, और किस चीज पर आपने इनको ट्रेन किया? मोटिवेशनल वीडियो और मेंटल ट्रेनिंग की बात आप करें तो वो मेंटल ट्रेनिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? हमारा जो रियो में हमारा वीक पॉइंट रह गया था स्नैच, क्लीन एंड जर्क, सॉरी, वो हम तीनों फेल कर गए थे, और ट्रेनिंग में हमने क्लीन एंड जर्क पे इतना काम किया कि हम जो हमारा वेट था उसको हम कम से कम 25 बार ट्रेनिंग में कर चुके थे जी। वो चीज हम लास्ट वीक में रिमाइंड कराते रहे, ये जिसको वो जो हमने पास की थी लिफ्ट दिखा के कि हम इतनी बार कर चुके हैं, ये हमने अच्छे से किए, इसे अच्छे से देखो, जब स्टेज पे जाओगे तो यही ये ध्यान करना है कि उस ट्रेनिंग में ये ऐसे की थी जी। हमारे साथ यहाँ पर सहदेव जी भी हैं जो सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। सर मुबारक हो आपको कि इतनी अच्छी खबर अब आई है, और इससे कितना बल मिलेगा वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, क्योंकि अब मेडल्स नहीं मिलते हैं और कामयाबी नहीं मिलती है, तो जो कमियां हैं अब, जैसे ग्लैमर आता है खेल के साथ, जब जीत आती है तो बहुत कुछ बदल जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी ताकत मिली है वेटलिफ्टिंग को, वेटलिफ्टिंग फेडरेशन को, और ओलंपिक के बाद तो मैं भी थोड़ा सा निराश हो गया था क्योंकि बहुत इसके ऊपर मेहनत की थी कोच ने, और जब इसने लिफ्ट वहाँ फेल की, एक ही लिफ्ट पे इसका मेडल था, और हम सामने बैठे थे कि ये लिफ्ट अगर करेगी तो मेडल आएगा, तो बाई चांस वो फेल कर गई। वो दिन हमारे लिए नहीं था, इंडिया का दिन नहीं था वो दिन हमारे लिए ख़राब था। फिर हमने दिल्ली में आके फिर हमने कसम खाई कि इसको छोड़ना नहीं है। उसके बाद ये कभी घर भी नहीं भेजा इसको, इसका फ़ोन भी हम जब्त कर लेते थे शाम को, सुबह को नहीं बात करने देते थे, कहीं ट्रेनिंग बहुत कराई। फिर कोच को कुछ कमियां दिखाई दी कि भाई हमें कुछ और करना है, जो हमें गवर्नमेंट हमें सप्लीमेंट या जो भी डाइट दे रही है वो सफिशेंट नहीं है, उसके अलावा और भी कुछ करना है। तो हमने फिर इसका इंतजाम किया, एवरी वीक कोच हमारा दिल्ली आता था और इसके लिए स्पेशल डाइट अपनी कार में फ्रीज करके लेके जाता था पूरे रियो से। अब तक इसको हम खिला रहे हो नई अच्छी अच्छी चीजें, तो डाइट का बड़ा फर्क पड़ा है। स्टार आप हैं मीरा चानू, और आप मणिपुर से हैं। मुझे याद है कि जब आप जीती तो प्रेसिडेंट ने ट्वीट करके मुबारकबाद जब दिया तो ये भी कहा, थैंक यू मणिपुर फॉर द स्पोर्ट्स वुमेन यू गिव अस। तो मणिपुर से इतनी खिलाड़ियां महिलाएं निकल कर आई हैं, क्या खासियत है मणिपुर में, वहां पर स्पोर्ट्स का कल्चर बहुत है, इसके बारे में बताइए। कि मणिपुर में हाँ स्पोर्ट्स, हर ही फैमिली सब स्पोर्ट्स होती है, हर घर जाओ स्पोर्ट्स होती है, हर घर का हर गांव जाओ स्पोर्ट्स ही होती है, सर हर फैमिली में स्पोर्ट्स करती है बहुत ज़्यादा। किस तरह के स्पोर्ट्स वहाँ पे बहुत पॉपुलर हैं? फुटबॉल बहुत ज़्यादा होती है हाँ, और बॉक्सर, अरे वेट लिफ्टिंग में भी ज़्यादा होती है, सबसे फुटबॉल होती है, हर घर का फुटबॉल प्लेयर तो दो तीन से होगा, लड़कियां भी लड़के हाँ, भी लड़के भी लड़का वो सब। तो आप फुटबॉल खेलने गई या खेलती थी फुटबॉल भी? नहीं, फुटबॉल तो मैं नहीं खेलती थी, मेरा दो भैया फुटबॉल खेलती है और पापा फुटबॉल खेलती है। तो आपने वेट लिफ्टिंग कब चुना, कैसे लगा कि हम वेट्स उठाएंगे? मैं उसी टाइम तो बहुत बचपन थी, छोटी थी, तो मैंने एक मूवी देखा था, तो कब है वो तो पता नहीं थी, तो वो इसका था वेट लिफ्टिंग का। अभी भी मणिपुर में मेरा कोच हो रही है अनीता मैडम, इसका मैंने मूवी देखा था। तो किसकी मूवी देखी थी आपने? अनीता मैडम, वो वेट लिफ्टिंग है, मेरा कोच है मणिपुर में, तो इसका मूवी देखा था मैंने, तो मैं भी इनको देख के मुझे भी लगा था मैं भी ऐसे ही
बनना चाहती हूँ। तो ये लेकिन घर में बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, घर में बहुत ऑब्जेक्शन हुआ था, घर में लोगों को पसंद नहीं आई थी ये बात? नहीं नहीं, वो तो कुछ नहीं है, मम्मी भी वो स्पोर्ट्स में पसंद थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम मम्मी को बोला था, मम्मी ये मैम के साथ मैं भी बनना चाहती हूँ, उनके जैसा मैं भी बनना चाहती हूँ, तो मुझे भी स्पोर्ट्स में भेजो। तो आप कितनी बड़ी थी तब, क्या एज आपको वो, तो कब शुरू किया जब ये? मैं 2008 से वेट लिफ्टिंग शुरू हुआ था, तो उसी टाइम मेरा 14 ईयर्स थी। 14 ईयर्स, और तब आपने अपना फैसला सुना दिया था मम्मी को कि मुझे वेट लिफ्टिंग ही करनी है? हाँ जी, मैंने 2008 से स्टार्ट हुआ, तो मैं इससे पहले मैंने आर्चरी में सुना था, आर्चरी में करने के लिए। हाँ जी, तो मेरा भैया ने मुझे आर्चरी ऑफिस में लेके गई थी, तो इसमें कोई नहीं मिला था सर, तो फिर वापस आके, मतलब आर्चरी ऑफिस में आप गए तो वहाँ कोई था ही नहीं, कोई था नहीं जो सिखाएंगे, तो ये भी अपने आप में एक ये कहानियां है, मतलब स्पोर्ट में और इतना बड़ा स्ट्रगल होता है इन लोगों का। जैसे इनका मैं कह रहा था ऑब्जेक्शन, अब इनको खाने डाइट चाहिए, तो इनकी मदर ने बोला भाई केले अंडे खा लो, बस उतना ही हम दे सकते हैं, या दूध थोड़ा सप्लीमेंट कर सकते हैं, जबकि ये गेम ही है, ये 48 केजी के हैं और अपने से 4 गुना वजन उठाती है। जी, जी, तो ये जी, मतलब इन लोगों इन जितने भी स्टार जो चैंपियन बनते हैं इंडियन स्पोर्ट्स में, मतलब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो इंडिविजुअल जीनियस की कहानी पहले होती है और उसके बाद सपोर्ट सिस्टम। आपका जो गाँव है मणिपुर में, उसका नाम क्या है, दूर दराज गाँव है कोई? हाँ, मेरा गांव है इम्फाल से 22 किलोमीटर है। हाँ। मेरा गांव का नाम नोमपोक काक्सिंग है। नोमपोक काक्सिंग, हाँ जी, मणिपुर में, इम्फाल से, इम्फाल ईस्ट, इम्फाल से 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर दूर है। हाँ, और उस गांव में आपने जब वेट लिफ्टिंग को चुना कि मैं वेट्स उठाऊंगी, तो वहां पे कोई ट्रेनिंग फैसिलिटी जो थी वो थी? कितनी दूर आप जाती थी इस प्रैक्टिस के लिए? गांव में तो कुछ नहीं थी, मैं गांव से सिटी आने से वो आधा घंटा लगती थी मेरा, तो 22 किलोमीटर, इसमें मैं सुबह आती थी 5 बजे, आके 7:30 तक मेरा ट्रेनिंग होती थी, तो आके स्कूल जाती थी, ऐसे रोज आते जाते करके मैंने हफ्ते में 7 दिन आके आप ट्रेनिंग कर दी थी पहले? रोज आती थी मैं, सिर्फ संडे रेस करती थी मैं, रोज आके मैंने ट्रेनिंग किया। कभी कभी भी मणिपुर में तो बहुत क्राइम होती है, बन ब्रोकेट बहुत करती थी, तो उसी टाइम में मैं गाड़ी नहीं मिलती, तो मैं कभी कभी साइकिल में भी आती है, साइकिल चला के। हाँ। जी, इंसर्जेंसी भी है, बंद भी होते हैं, साइकिल चला के 22 किलोमीटर आना, फिर प्रैक्टिस करना, उसके बाद स्कूल जाना, फिर 22 किलोमीटर वापस जाना, तो इतनी मेहनत, इतना जज्बा, इतना डेडिकेशन होना चाहिए। और भी कहानी जानेंगे कि आखिर इनका रूटीन क्या था, फिटनेस रूटीन क्या था, प्रैक्टिस का रूटीन क्या था, ताकि जो भी देख रहे हैं और जिसके भी मन में सपना हो कि वेट्स उठाएंगे, वो यहाँ से कुछ सीख सकें। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस लौटते हैं हम लोग में।